हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल मस्त हैं। तो दगड़ियों, आज उत्तराखंड में लास्ट दिन है मेरा, यहां पे रानीखेत से मैं जा रहा हूं। तो आज का ब्लॉग मैं अपने घर के आगे से ही शुरू कर रहा हूं। तो मैं आपको अपना घर दिखाना चाहता हूं। ये देख सकते हैं मेरा ये घर, मतलब मेरा ससुराल है ये। तो ये हमारा ससुराल है रानीखेत तड़ी गाँव में। और बाकी यहाँ का मौसम आप देख सकते हैं, देखिए कितना सुंदर मौसम हो रखा है। बिल्कुल साफ है, बिल्कुल कोई बादल नहीं, आसमान में बिल्कुल क्लियर है, नीला आसमान दिख रहा है वहाँ पे। और ये हमारी पीयू देख सकते हैं आप, टोपी पहन के बिल्कुल रेडी हो गई है। तो दगड़ियों, आप बने रहे हमारे साथ, शुरू करता हूँ फिर। जो भी आज की एक्टिविटीज होंगी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा इस ब्लॉग के थ्रू। ये हमारे उत्तराखंड का रीति रिवाज हमारी देख सकते हैं, जाते टाइम रोली का टीका लगाया जाता है। ये देख, ये संस्कार है हमारे। तो ये देख सकते हैं अभी नंदी का टीका कर रहे हैं उनके भैया, बड़े भैया। देखो नंदी को, देखो नंदी देखने में ऐसे लग रही, इमोशनल हो रही है कि भाई मैं मायके से जा रही हूँ ससुराल के लिए, और टीका भी लग गया उसको। तो कोई नहीं कोई नहीं, नंदी वहाँ भी मायके की तरह है, तो हम कुछ कहते थोड़ी है, पागल तो हम ही है। तो हम ही है। अब ये है नंदी की बड़ी दीदी, तो इनको टीका लगाया जा रहा है। ये हमारे देवभूमि उत्तराखंड के संस्कार हैं ये। और ये देखिए लिलियो कमाई ले हुए और तो ठीक है दगड़िया, फिर हो गया तैयार सारे लोग। ये हरी सब्जी तोड़ ली आप लोगों ने इतनी, हाँ, बहुत। ओ माय गॉड, बहुत हो गया। वो भी तो ले आई राई पालक, नंदी भी तो ला रही है, नंदी ने भी तोड़ लिया। देखो कितनी अच्छी हरी सब्जी हो रही है। ले जाओ भैया, तुम्हारे कुछ मन नहीं मान रहा, तुम मैं तुम्हें कसो कसो को ले जाओ। तुम ले जाओ, जगह है बैग में, जगह है तो ले जाएंगे। ये पालक के लिए इतना बड़ा, तुम रहने दो। ये देखो भैया, धूप आ गई है बिल्कुल पूरे। उत्तराखंड का बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है भाई, नहीं धूप देखो आप ऐसा खिला हुआ, और वहाँ कह रहे हैं बिल्कुल वो रखा है। या हम नानी कंटर से वो कंटर कर लेती रात की चढ़े में 4 बजे ब्याह उतारने को। तो ये देख सकते हैं लकड़ी, ये है पहाड़ी गीजर। तो दिल्ली में जो है बिजली का खर्चा आता है वो आता है यहाँ पे, ये लकड़ी में कर लेते हैं, इसको कहा जाता है पहाड़ी गीजर है ये। हाँ, गीजर, पहाड़ी गीजर, ये पहाड़ी गीजर है। और वो देख सकते हैं आप मंदिर हमारा, वो जन दिख गया, वही माधव बोध। हाँ, वही उत्तराखंड का, उत्तराखंड की दवा। ये देख सकते हैं गांव के मकान किस तरह से होते हैं। ये है बेसमेंट गोट, ये गोट यहाँ पे इसको गोट कहते हैं। ये है बेसमेंट, जैसे दिल्ली में बेसमेंट बनाते हैं तो इसको गोट कहते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादातर जानवर रहते हैं, लेकिन आजकल जानवर कम लोग पालते हैं, ज़्यादा नहीं पालते, तो आजकल लोग भी रह जाते हैं इसमें। ये देखिए, ये है जानवरों के लिए अंदर का। ये देखिए, ये देखो, ये खूटे इसमें बांधते थे जानवरों को। यहाँ पे ऊपर लकड़ी है, ऊपर लकड़ी भी है। ये देखिए, और ये देखिए दगड़िया, अभी झोल लग गया। हाँ, अभी इसमें वो देखिए काला लग गया है, आपको दिख रहा होगा। तो ये काफ़ी पहले इसी मतलब पुराने ज़माने में इसी टाइप के मकान होते थे, और काफ़ी मजबूत होते थे। आजकल जो सीमेंटेड कंक्रीट जो बना रहे हैं ना, फुर्जी के ज़माने का मकान है। हाँ, ये कितने साल पुराना होगा कम से कम जेठू जी, ये मकान ये हो गए 50-60-70 साल। बताओ, 60-70 साल पुराना मकान है, और आप समझ सकते हैं कि अभी इसको कुछ नहीं हो रखा है, अभी ये कम से कम 60-70 साल और चलेगा, कोई मतलब इसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसकी एज भी काफी रहती है, काफी जबरदस्त बना रखा है। ये है गोट, और ये है फर्स्ट फ्लोर। गोली ले लो, चलो निकाल यहां से। फर्स्ट फ्लोर हो गया, और ये है नीचे का फ्लोर। तो ये देख सकते हैं लकड़ियों, ये है हमारे उत्तराखंड का प्यार, ये है हमारे उत्तराखंड के लोगों की एकता, आपस में कितना प्यार इन लोगों का होता है देख सकते हैं। अभी हम जाने वाले हैं 3-4 आदमी, लेकिन देखिए पूरा गांव आके उमड़ के आ चुका है देखने के लिए, मिलने के लिए, अपना प्यार जताता है सब। देख सकते हैं आप कितने दूर दूर से लोग आए हुए हैं, और सारे के सारे ये हम लोगों से मिलने के लिए आए हुए हैं। तो आप बने रहें, उत्तराखंड का प्यार यही है, और सारे लोग आपस में देख सकते हैं कैसे मिलने के लिए, क्योंकि लोग जा रहे हैं तो इनको मिलने के लिए, सी ऑफ करने के लिए आए हुए हैं। तो यही हमारे उत्तराखंड की खासियत है, और यही हमारे उत्तराखंड का मिलने के लिए। हेलो, ये देखिए, ये है हमारे उत्तराखंड का प्यार, सारे गांव के लोग मिलने आ गए हैं, वहाँ जा रहे हैं लोग। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, मेरा तो वैसे यहाँ पे ससुराल है, ये हमारी चाची है, ये चाची है, तो हमारी भी चाची होगी। अच्छा, ये आपकी बेटी है, क्या नाम है? यामिनी, यामिनी।
देखो ये मतलब इसमें क्या है ना, अपना प्यार मरता है कि दिखता है कि लोगों को अपनापन कितना है। आप ये मेरी दीदी है, ये बड़ी बहन है हमारी, बहुत दिनों से ये हमारी बहू है, ये हमारी बहू है, छोटी वाली बहू है, बहू है, ये हमारी दीदी है, ये तो हमारे साथ ही आई है। तो पूरा उत्तराखंड का जो प्यार है ना यहाँ पे झलकता है कि भाई देखो सी ऑफ करने के लिए पूरे लोग आगे, जो चाहे दूर जान पहचान के हैं नहीं है, सब आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार है। कल एक और आदमी आए थे, वो मेरे से बोल रहे थे कि आप पूरे गांव के जवाई हो, हमारे घर भी आ जाना। ये कैमरामैन कान नहीं सुनता है, कान कम सुनता है, बूढ़ा हूँ आप। ये तो वहीं से भी दूर से आ रहे हैं, तो ठीक है दगड़ी, आप बने रहे हमारे साथ इसी तरह से। और आज उत्तराखंड को हम बाई करने वाले हैं, तो हम निकल तो अभी यहाँ से प्रस्थान होगा। आज उत्तराखंड में हमारा आखिरी दिन है, तो बाय बाय उत्तराखंड। बहुत प्यार दिया इन लोगों ने, बहुत सपोर्ट किया, और मैं इनसे एक रिक्वेस्ट और करता हूँ कि अगर जो यूट्यूब चलाता है, कुछ भी चैनल अगर आप चलाते हैं, आनंद सिंह नयाल करके हमारा एक यूट्यूब का ब्लॉग चैनल है, और एक हर्ष नयाल ऑफिशियल करके गाने का भी है, मैं गाने भी गाता हूँ, पहाड़ी गाने बहुत सारे गा रखे मैंने उसके अंदर, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें जो चलाते हैं, और लोगों को भी बोलें कि भाई कोई बात नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, जवाई को आप यही प्यार दे देना, वही प्यार, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों। तो ये है ममता, ममता ने तो हमारा बहुत साथ दिया और अच्छी रीलें बनाई हैं, और मैं पहाड़ों पर इतना अच्छा डांस किया कि ममता आर्या के गाने पर ममता देवी ने बिल्कुल धमाल मचा दिया था। और ये टॉमी, हेलो टॉमी, और ये हमारे महेश भाई जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, आपने बहुत साथ दिया हमारा, ठीक है। तो दगड़ी ये क्षण कुछ ऐसे होता है ना, जब आप अपनों से बिछड़ते हो तो थोड़ा मतलब इमोशनल हो ही जाता है आदमी, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से मैं भी इमोशनल हो रहा हूँ, तो रोएगा कोई नहीं लेकिन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाय बाय, चलो। अच्छा जेठी जी, अरे आपसे पहला नहीं कमी। तो निकल चुके हैं भाई अब यहाँ से, तुम्हारा ये भी ठहरा, बहुत जरूरी है मेरे लिए। चलो जा रहे हैं सासू जी, बहुत देख लो कितने लोग आ रहे हैं छोड़ने के लिए। टगलू, अच्छा अरे हम निकल रहे, जय हरदेव जय हो। अरे यार हम इसलिए नहीं जा रहे ना, हमने खाना खा लिया, जा सकते हैं ऊपर, हनुमान जी बैठे हुए अंदर। जय हो तड़ी गांव की, तड़ियों की, तड़ियों की जय हो, और हमेशा ऐसे तड़ी में रहो तुम लोग। सही बात है, और क्या। तो ये देख सकते हैं आप, ये है प्राइमरी स्कूल तड़ी जूरी का, प्राइमरी क्लास की शिक्षा यहाँ पे दी जाती है, तो ये है प्राइमरी स्कूल हमारा। ये देख सकते हैं बानरों का आतंक, छत पे बानर लिखा हुआ है। स्वर्ग से प्यारा, स्वर्ग से सुंदर है अपना संसार, देखिए दगड़े बाघ आ गया, बाघ के लिए इसने पटाखा फोड़ा। तो ये देख सकते हैं आप, तो इतने सारे लोग हमारे को छोड़ने के लिए आए हैं, सी ऑफ करने के लिए आए हैं, तो दिल्ली में तो कौन आता है सी ऑफ करने के लिए, कहते हैं जा रहे हो तो जाओ भाई, जिसको जाना जाए। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, इतने पूरे गाँव के ही लोग उमड़ के आ चुके हैं यहाँ पे हमें सी ऑफ करने के लिए। और ठीक है, बाय बाय उत्तराखंड,
निकल रहे फिर। अब अभी हम यहाँ पे, अभी हमारी गाड़ी आने वाली है, गाड़ी आते हैं यहाँ से निकलेंगे। पहले जाएंगे मेन स्टेशन रानीखेत। रानीखेत पे हमने कुछ जगह जाना है, घूमना है, सोच रहे हैं, अभी प्लान है, देखते हैं वहाँ कितना टाइम लगता है, कुछ शॉपिंग भी करनी है। उसके बाद हम फिर वहाँ से डायरेक्ट पकड़ेंगे दिल्ली के लिए गाड़ी। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत प्यारा सफ़र रहा उत्तराखंड का। ये बहुत सारी खूबसूरत यादें मैं अपने साथ यहाँ से लेके जाऊँगा। और ये एक्चुअली में मेरा ससुराल था नंदी का, यहाँ पे मायका है। तो बहुत सारी यादें, खूबसूरत यादें जो कि बिल्कुल कभी भूल नहीं सकते, वैसी यादें मैं यहाँ से लेके जाऊँगा। ठीक है, आप बने रहे। मैं अच्छा, नीचे वाली रोड जाने से ना। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ दीदी जी पे कि मतलब आपको ऐसे नहीं लगता कि जैसे अगर लोग चाहें तो रोटी तो यहाँ पे कमा सकते हैं, मेरे कहने है ना? और मैं जहाँ तक मुझे जो पता क्या लगता है, वहाँ पे भी लोग कोई बचा नहीं पा रहे ज्यादा, जो नौकरी जो 10-15 हज़ार में नौकरी करना हो क्या बोचना हो क्या नहीं बोचना हो। चलो बहुत जल्दी आ यार, कोई बात नहीं, रुक जाएगा, कल से थोड़ी हम तुम्हें तंग करेंगे, आज ही आज कर रहे हैं बस। तो ये सेटअप हमारे जेठू जी ने यहाँ पे कर रखा है। और स्वरोजगार की अगर मतलब बात चले, अगर सरकार साथ दे और सब्सिडी दे हर एक को, तो स्वरोजगार उत्तराखंड में अगर चले बिल्कुल, तो उत्तराखंड में मतलब अभी फिर से रौनक आ सकती है। जो उजाड़ आ रखा है ना, ये उजाड़ जो है बिल्कुल छट सकता है, बंद हो सकता है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो देश विदेश में जहाँ भी रह रहे हैं वो आएँ और अपने गाँव में कुछ ना कुछ ऐसा मतलब रोज़गार का प्रबंध कुछ ऐसा करें कि जिससे आने वाली पीढ़ी में उनके बच्चे भी यहाँ पे बस जाएं और दिल्ली जाने से बचें या शहरों में जाने से बचें और हमारे गांव आबाद रहे। तो ये देख सकते हैं गाड़ी आ चुकी है हमारी, ये हमें यहाँ से रानीखेत छोड़ेंगे। रानीखेत से फिर हमें भाई बस हमें दिल्ली जाना है। रानीखेत से हम थोड़ा सा हमें मार्केट में घूमेंगे, बाजार में, उसके बाद शाम के टाइम पर रानीखेत के लिए बस पकड़ेंगे। तो गाड़ी आ चुकी है, सामान देख सकते हैं, छत पर लोड हो चुका है। तो एक कप चाय पी रहे हैं, चाय पीने के बाद फिर चलते हैं। हाँ, चाय पी के फिर निकलते हैं आगे को। ये देख सकते हैं लकड़ी चाय, ये पहाड़ों की चाय, गड़बड़ चाय है ये, बहुत टेस्टी होती है यहाँ की चाय। कालका माई की जय। बाय बाय उत्तराखंड, बाय बाय। सारे बाय बाय करो एक बार पीछे को। बाय बाय। जय देवभूमि। बस में आपको 1000 पड़ना है। आपको बस में 1000 पड़ना है। आपको
वाला। वाह, तो देख सकते थे दगड़ियों, गाते हुए कीर्तन भजन भोले का नाम लेते हुए निकल चुके हैं हम उत्तराखंड से, भोले की नगरी से प्रस्थान कर रहे हैं। हम कैलाश पर्वत पर आए थे, कैलाश पर्वत से कम नहीं है ये उत्तराखंड। तो आप बने रहे हमारे साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रानी कैसे दिखाएंगे आपको हम कैलाश पर्वत भी। तो सबसे बड़ा बात यह है कि किस तरह से गाते नाचते खुशी से जा रहे हैं, ये उत्तराखंड की पहचान, हमारे उत्तराखंड की जान, हमारे उत्तराखंड की शान है। जय उत्तराखंड। तो दगड़ियो, आज के ब्लॉग में था इतना ही। तो आप अगले ब्लॉग तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें और हमेशा अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।